गाइस आज मैं फर्स्ट टाइम ट्रक से ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ आरटीओ ऑफिस, मेरा थोड़ा काम है वहाँ पे। तो गाइस इस कीचड़ को पार करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पैंट को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक का नई वीडियो, वापस से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। गाइस आज है 24 जनवरी, मतलब सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के लगभग 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। चलिए गाइस आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। बाकी कल का जो दिन था पूरा दिन क्लाउड, मतलब पूरे दिन बारिश बादल और कोहरा इतना ज़्यादा आ गया था, विजिबिलिटी मतलब 5-10% ही होगी, वरना विजिबिलिटी थी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए ब्लॉग ठीक से नहीं कर पाया था। थोड़ा बहुत ब्लॉग होगा वो इसी में ऐड कर दूंगा मैं। बाकी गाइस आज का ब्लॉग हम इसी स्टार्ट करते हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे और आपको पूरा होपफुली इंजॉय कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस इस कीचड़ को पार करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पैंट को ऊपर चढ़ाना पड़ता है और देख सकते हो ये बिल्कुल रोड पे है, बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ चारों तरफ और इतनी ज़्यादा गंदी स्थिति हो रखी है यहाँ की, कुछ कहने की नहीं। तो गाइस अभी क्यों एन ए वीडियो शूट कर रहा था और अचानक से बारिश होने लगी, इसलिए पैकअप करना पड़ रहा है, नीचे जाना पड़ रहा है और जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें मम्मी से जाके पूछूंगा, तो मम्मी उसका ठीक से जवाब देंगी। बाकी क्यों एन ए वीडियो में काफ़ी मज़ा आता होगा, आप ज़रूर देखिए एक बार जाके, आपको होपफुली कि मज़ा आएगा उस वीडियो में। और आपका कोई भी क्वेश्चन जब भी बनता है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, चाहे आज आप कर दीजिए या फिर जब भी मैं पोस्ट डालता हूँ तब आप कर दीजिए। तो बारिश होने लगी है, मैं नीचे जाके वीडियो शूट करता हूँ। तो गाइस आप पीछे देखते होंगे झमाझम बारिश हो रही है। बाकी मैं यहाँ चूल्हे पे बैठ के पानी गर्म कर रहा हूँ नहाने के लिए, बिजली आई थी चली गई, ऐसी ठंड में ठंडे पानी से भी नहीं नहा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है भाई, तो इसलिए पानी गर्म कर रहा हूँ चूल्हे पे। बिजली चली गई थी वरना लाइट से हो जाता है, और अभी कहीं पर ट्रांसफार्मर की साइड पर धड़ाका बोला था एकदम से, तो लाइट भाग गई सुबह। तो गाइस अभी मैं मनीषा को लेके जा रहा हूँ उसके कॉलेज, उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा होना है, तो उसके कॉलेज जाके फॉर्म जमा करके मैं आता हूँ। अभी मुझे आरटीओ ऑफिस भी जाना है, वहाँ पे कुछ ड्राइविंग लाइसेंस काम रह गया है वो मुझे कंप्लीट कराना है, वहाँ भी जाना है, तो आज पूरा दिन बिजी होने वाला है। तो चलिए उसके पहले स्कूल चलते हैं, उसके बाद फिर लौट के आना है। तो गाइस हम आए मनीषा के कॉलेज का स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने, लेकिन जमा ही नहीं हुआ, क्या बताया कि करेक्शन होगा, करेक्शन डेट आएगी, अभी तक डेट ही नहीं आई इसकी, तो वापस से हम घर जा रहे हैं। गाइज आज मैं फर्स्ट टाइम ट्रक से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ आरटीओ ऑफिस, मेरा थोड़ा काम है वहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ पे आपको पता ही होगा ब्लॉग देखते होगे, तो गन्ना वगैरह जो जाता है वो ट्रक से ही जाता है, तो भैया बोल रहे थे कि मैं छोड़ दूंगा बिथरी तक, रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं बिथरी जा रहा हूँ और बिथरी ट्रक से जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ट्रक पर बैठा हूँ, उससे पहले डीसी वगैरह पर बैठा हूँ, लेकिन ट्रक पर कभी नहीं बैठा हूँ। ट्रक पर कुछ इस तरीके का होता है चारों तरफ से, और देख सकते हैं ये है ट्रक। बाकी अभी हम जा रहे हैं, इसके पीछे जो है वो गन्ना लोड है, पूरा भरा हुआ है गन्ने से, तो अभी इसी से हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो गाइस उन ट्रक वाले भाई साहब ने हमें उतार दिया है, हम जा रहे हैं आरटीओ, अब यहाँ से हमें ऑटो पर जाना पड़ेगा। और मैं अभी इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से उतरा हूँ, और इन्वर्टिस से डायरेक्ट मुझे ऑटो मिल जाता, इसलिए उन्होंने इन्वर्टिस पे उतारा है, तो अभी ऑटो का वेट कर रहा हूँ। अभी हाईवे से इधर नीचे आ रहा हूँ और यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा, देखता हूँ कोई ऑटो वगैरह आ रहा है तो बैठ जाता हूँ। तो यहाँ से जो बरेली है वो हमारा 10 किलोमीटर है और रॉयलगंज यूनिवर्सिटी 13 किलोमीटर। बाकी ये बोर्ड लगा हुआ है और ये है सामने इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी जो आपको दिखती होगी। तो फाइनली गाइज मैं आरटी ऑफिस आ गया हूँ, ये है आरटी ऑफिस कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आरटीओ का जो हमारा काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और मैं घर पे आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, शाम का वक्त हो गया है, अब आपको दिखता ही होगा शाम वगैरह हो गई है। अब गाइस नए ब्लॉग के साथ आपसे ही मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।